हेलो विद्यार्थियों, आपने बीएसटीसी के रिलेटेड यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो देख लिए होंगे, बट आप किसी से भी संतुष्ट नहीं हुए होंगे। तो ये वीडियो देखने के बाद में आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपसे दावा है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसटीसी का रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ कितनी रहेगी, कैसे काउंसलिंग कराए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कैसे मनपसंद कॉलेज अपन को मिल सकती है। डिटेल से बात करेंगे तो आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखेगा। देखिए विद्यार्थियों, मैं सबसे पहले यहाँ पे बताऊँ तो ये आज ही की न्यूज़ है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो इसका परिणाम की बात की जाए तो नवंबर के आपके फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा, यानी आपके सात या दस तारीख के लगभग आपको ये परिणाम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 372 कॉलेजों की 25,420 सीटों पर मिलेगा प्रवेश, यानी आपके 372 कॉलेजों में 25,420 बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पे होना है, यानी लिस्ट में उनको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। तो इसके बारे में देख लेते हैं, तो थोड़ा सा इसको पढ़ के भी मैं सुना देता हूँ। 5.33 लाख अभ्यर्थी ने इसमें परीक्षा दी थी, कुल 6 लाख फॉर्म भरे गए थे, जिसमें से 66,000 विद्यार्थी इसमें अनुपस्थित रहे थे। और इसकी एग्ज़ाम आपकी 8 अक्टूबर को करवाई गई थी। और इसमें बात की जाए तो यहाँ पर इसके रिजल्ट की तो नवंबर के प्रथम सप्ताह में घोषित कर दिया जाएगा, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अभ्यर्थियों को करीब 15 दिन का समय दिया जाएगा, वहीं नया सत्र 25 नवंबर से शुरू हो जाएगा, यानी जब इसका रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद में यहाँ पे विद्यार्थियों को 15 दिन का समय दिया जाएगा, उसमें काउंसलिंग करवा सकते हैं आपको, और जो भी आपकी गलती है वो सुधरवा सकते हैं, और जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो जो आपको जमा कराने होंगे, और 25 तारीख के बाद में आपका नया सत्र यहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा। तो अब हम इसकी कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे कट ऑफ की बात करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ बेसिक जानकारी देना चाहूँगा। इसमें टोटल फॉर्म अप्लाई की बात की जाए तो इस टोटल 6 लाख के लगभग इसमें फॉर्म भराए गए थे, और परीक्षा यहाँ पे 3,33,000 लोगों ने यहाँ पे परीक्षा दी थी, लगभग 66,000 विद्यार्थी इसमें अनुपस्थित रहे थे। कुल सीटों की बात की जाए तो इसमें 25,420 कुल सीटें हैं, और इसमें कॉलेजों की बात की जाए तो टोटल राजस्थान में 372 कॉलेजों के लिए यहाँ पे बीएसटीसी की एग्ज़ाम करवाई गई थी। तो अब हम इसकी कट ऑफ की बात कर लेते हैं। इसकी कट ऑफ की बात की जाए तो जनरल में इसकी कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है 430 से 450 के लगभग, ये मेल कैंडिडेट की कट ऑफ है। और फीमेल कैंडिडेट के कट ऑफ की बात की जाए तो यहाँ पर 420 से 430 के लगभग आपको देखने को मिल सकती है। ओबीसी कट ऑफ की बात की जाए तो यहाँ पे 420 से 430 के लगभग मिल सकती है, और फीमेल की बात की जाए तो 410 से आपको 420 के लगभग देखने को मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो यहाँ पे 400 से 420 के लगभग यहाँ पे कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है, और फीमेल की बात की जाए तो 390 से 400 के लगभग आपको देखने को मिल सकती है। और एमबीसी की बात की जाए तो 400 से 420 के लगभग आपको देखने को मिल सकती है, और फीमेल की बात की जाए तो 380 से 390 के बीच में आपको देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं एसटी और एससी की कट ऑफ की बात की जाए तो यहाँ पे आपको एससी की कट ऑफ की बात की जाए तो टोटल एसटी की कट ऑफ आपको 350 से 370 के लगभग देखने को मिल सकती है, और एससी फीमेल की कट ऑफ की बात की जाए तो 320 से 340 के मद्देनज़र आपको देखने को मिल सकती है। एसटी कैंडिडेट की बात की जाए तो 340 से 360, और फीमेल की बात की जाए तो 310 से 330 के लगभग आपको देखने को मिल सकती है। तो ये है कट ऑफ के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं इसके काउंसलिंग रिलेटेड और डॉक्यूमेंट रिलेटेड और मनपसंद कॉलेज आपको कैसे मिलेगी। तो विद्यार्थी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी आपने यहाँ पे फॉर्म भरते समय आपने डॉक्यूमेंट लगाए थे, और जैसे किसी विद्यार्थियों की जब 12वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी और उसका प्रोविजनल डिग्री वगैरह जो भी है आपके पास में, जाति प्रमाण पत्र और जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट आपको उनका एक सेट तैयार करवा लेना है और फोटो तैयार करवा लेनी है, और साथ में आपको अपने आसपास की कॉलेजों को पहले सेलेक्ट करना है, और बाद में जैसे आपके सिटी से दूर है उन कॉलेजों को आपको बाद में सेलेक्ट करना है, और जैसे कोई नई जानकारी आएगी तो उसके लिए आपसे अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसके लिए आपको साथ में बेल आइकन घंटी को भी दबाना होगा। इससे क्या होगा कि आपको समय से नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।